चीन में दो घरों की दीवारों के बीच फंसे हुए एक बच्चे को किस तरह से रेस्क्यू किया गया वो देखिए आप। चीन के शांक्सी प्रांत में एक 3 साल का बच्चा 2 घरों की दीवारों के बीच में फंस गया था। दीवारों के बीच सिर्फ 20 सेंटीमीटर का ही फासला था, ऐसे में कोई भी वहां जाकर बच्चे को निकाल नहीं सकता था। दीवारों के बीच में फंसा हुआ बच्चा लगातार चीख रहा था, इसलिए रेस्क्यू टीम ने संभल कर काम करने का फैसला लिया। एक दीवार में छेद किया गया और फिर धीरे धीरे दीवार को तोड़ते हुए बच्चे तक पहुंचा गया। इस तरह काफी मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम ने बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। बच्चा बाहर आया तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। बच्चा खेलते हुए दीवारों के बीच में जा फंसा था।